हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट एंड कंपार्टमेंट को लेकर जो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट एंड कंपार्टमेंट के छात्र जो है सीबीएसई बोर्ड से जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है एनआईएस को भी जो है फाइनली जस्टिस मिल गया है। यानी कि इसकी जानकारी जो है आपके एनआईएस ने खुद जो है ऑफिशियली ट्वीट करके दिया कि एनआईएस की जो छात्र डिमांड कर रहे थे एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर, उसको जो है फाइनली एग्जाम्स को कैंसिल करने का जो है फैसला कर दिया गया है। तब एक सवाल यहाँ पे उठता है, जब देश की स्टेट बोर्ड हो या देश की कोई भी बोर्ड हो, सभी ने क्लास 12 की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया, तो क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट के छात्रों के साथ ही क्यों इनजस्टिस हो रहा है कि इसको लेकर देश भर के छात्र जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट के छात्रों को जस्टिस मिले, इसको लेकर ममता शर्मा का एक ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट को लेकर भी हमें जस्टिस मिलेगी और जल्द से जल्द, इसी को लेकर जो है ममता शर्मा का ट्वीट भी आया है। लेकिन जो बड़ी बात है, सवाल यहां पे उठ रहा है कि क्लास 12 की प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट के छात्रों के साथ बड़ा इनजस्टिस की। इसी बीच जो है सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूं, क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट इन कंपार्टमेंट के छात्रों के लिए जो है 50-50 का जो है फॉर्मूला जो है अपनाने को लेकर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को सजेस्ट किया गया है। यानी एक्सपर्ट्स ने जो है आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट को सजेस्ट किया है कि क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट इन कंपार्टमेंट का जो है असेसमेंट जो है 50-50 फॉर्मूला के बेस पे बनाया जा सकता है। तो इसी को लेकर जो है सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। और वही बात करें तो प्राइवेट कैंडिडेट एंड कंपार्टमेंट के छात्रों को जो है 50-50 फॉर्मूला के तहत जो है उनको असेसमेंट दी जा सकती है। सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट एंड कंपार्टमेंट को लेकर भी ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, अगर सीबीएसई बोर्ड सोचे तो प्राइवेट कैंडिडेट एंड कंपार्टमेंट के छात्रों के लिए भी एक से बढ़कर एक पॉलिसी बनाई जा सकती है असेसमेंट देकर उन्हें पास करने को लेकर। यहाँ पे बात करें तो देश के प्रोफेसर के लेनिन भारती का कहना है कि एक्सपर्ट्स जिस तरीके से आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देश में थर्ड वेव आने वाला है, देश में जो है थर्ड वेव का आप लोग सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके राज्यों से जो है अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से डेल्टा के मामले आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा जो है गंभीर है सोचने को लेकर कि इस पर जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एग्जाम्स को कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स का यहाँ पे यही कहना है कि देश में थर्ड वेव आने वाला है, तो ऐसे में जो है होल्डिंग एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना ये पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि आगे हम एग्जाम्स करा लेंगे तो हम कब तक वेट करेंगे या सिचुएशन को नॉर्मल होने का, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट के छात्रों को सिर्फ कराना एग्जाम्स ही नहीं है बल्कि इन्हें एडमिशंस भी चाहिए, और एडमिशन जब रेगुलर के छात्रों का एडमिशन हो जाएंगे आपका स्टार्ट हो जाएगा तो प्राइवेट कैंडिडेट इन कंपार्टमेंट के छात्र तो पीछे रह जाएंगे। इसको लेकर जो है देश भर के एक्सपर्ट्स जो है आपके लगातार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि इनके लिए भी असेसमेंट बनाएं, और इनके लिए असेसमेंट को लेकर भी इन्होंने सजेशन किया है कि 50% वेटेज जो है 10th को रख दिया जाए और 50% वेटेज 11th को रखा जाए। ये सबसे बेस्ट असेसमेंट होगा जो क्लास 12 के हर एक छात्रों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, इसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट भी बनाया जा सकता है। तो इस पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि देश में लगातार जो है थर्ड वेव आने की आशंका है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को एग्जाम्स कराने की जो है भूल नहीं करना चाहिए। देश के प्राइवेट कैंडिडेट एंड कंपार्टमेंट के छात्रों को जस्टिस चाहिए, और इसको लेकर जो है देश भर की मीडिया जो है आपकी बातों को नहीं उठा रही है। तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, देश भर के हर एक बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्राइवेट कैंडिडेट एंड कंपार्टमेंट के छात्रों को आप लोग जो है खुद को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी संख्या काफी कम है। तो ऐसे में हम तो आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी इसमें बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट तो सिंपली 5 सेकंड में डाउटनेट पे करो नो से आउट। सिंपली आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। चाहे वो क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, बायोलॉजी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या देश भर की तमाम कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो, या क्लास 6-12 तक का क्वेश्चन हो, आईटी, जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सभी का तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा आपको डॉटनेट ऐप पे। इसके साथ ही डॉटनेट पे चल रही है डेली लाइव क्लासेस, वो भी आपके अपने लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में, जहां आपको पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस कोर्सेज का हिस्सा बनिए और आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। गवर्नमेंट के बिना कोई भी डिसीजन जो है गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी, गवर्नमेंट पे दबाव बनाने का एकमात्र कारण है। आप लोग मैक्सिमम ट्वीट्स करिए, आप लोग का फुल सपोर्ट ही कंपार्टमेंट के छात्रों को जस्टिस दिलवाएगा। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्लास 12 को लेकर इस असेसमेंट के बारे में आप लोग को क्या कहना है इस असेसमेंट को लेकर नीचे कमेंट करके बताइए, और आपके मन में जो है और भी अगर इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव असेसमेंट आपके मन में चल रहे हैं तो उसको लेकर कमेंट करके बताइए। वीडियो में इतना ही, जय हिंद।